ओके, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है ये जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, रिज़ी भाई भी कॉल हिम, शाहीन शाह अफरीदी भी। क्या मुस्लिम प्लेयर्स वाकई में सुन्नाह को फॉलो करते हैं? हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम। आई एम निधि शर्मा फ्रॉम इंडिया। रिसेंटली व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग यूट्यूब, मुझे एक वीडियो का टाइटल दिखा जिसमें लिखा हुआ था मुस्लिम प्लेयर्स फॉलोइंग सुन्नाह। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि सुन्नाह होता क्या है, विकीपीडिया पे गई, तब जाके पता चला कि इट्स सर्टन रूल्स दैट इस्लामिक प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्टेटेड, और तभी से सारे मुस्लिम्स जो हैं उनको वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। बहुत अच्छे रूल्स होते हैं, ट्रस्ट मी टू ऑल द नॉन मुस्लिम्स हु वॉचिंग दिस वीडियो। वो लोग औरतों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। सोचो एक ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करे जहाँ पे कोई भी मर्द गलत नज़र से औरत को देखे ही ना, तो कितने सारे गुनाहों से हम बच जाएंगे। इस चीज़ को मैं हद से ज़्यादा वाला सपोर्ट करती हूँ, करती रहूँगी मरते दम तक। मैंने मेरी फैमिली को भी बताया कि इस्लाम में इस तरीके के कुछ नियम होते हैं, तहजीब व अदब होती है, उन लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा एंड देयर ऑल्सो लाइक निधि तुम्हें ये फॉलो करना है। 3 से 4 बार मैंने अजान का वीडियो भी देखा है आप ही लोगों के साथ एंड आई वॉज अम्यूज्ड। क्या शांति मिलती है भाई। खैर वो छोड़िए, अभी टॉपिक पर आते हैं। क्रिकेटर्स जो हैं, फुटबॉलर्स जो हैं, जितने भी मुस्लिम प्लेयर्स हैं वर्ल्ड वाइड, क्या वो सुन्नाह को फॉलो कर रहे हैं? एक बार इस वीडियो के अंदर देखते हैं एंड देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन इट। मैं बहुत बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस बातचीत को बिल्ड करने में आपके और मेरे बीच। ओके, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है ये जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, रिज़ी भाई भी कॉल हिम, शाहीन शाह अफरीदी भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये वाला मोमेंट मैंने देखा हुआ है, उन्होंने दूर फील ली थी बहुत सेल्फी लाइक दिस। शाहिद अफरीदी बूम बूम लाला, ही रिजेक्टेड टू शेक हैंड विद अ फीमेल, क्लियरली रिजेक्टेड, बट वो उसमें ऐसा लग रहा है इग्नोर कर दिया हो ना। These are two Muslim players side के अंदर and what is going to happen? Okay, champagne, alcoholic drinks को वो कर रहे थे shake, तो side में हो गए। मुझे नहीं पता उसको उछालने को क्या बोलते हैं, but it's a very good gesture. Even I don't drink alcohol. Do you drink alcohol? It's bad for health. इस्लाम में लिखा हुआ है नहीं पीनी है आपको, शराब का सेवन नहीं करना है, मदिरा पान बिग नो नो। अमेजिंग यार, दे गॉट सेपरेटेड, एल्कोहल तो टच भी नहीं होनी चाहिए। ओके, ही इज अ मुस्लिम प्लेयर, ही इज नॉट इवन लुकिंग एट द एंकर, वो साइड में देख रहे हैं। These things are certainly hard to control, but he is doing it. देखिए आप इतनी खूबसूरत वो हैं, पर वो नजरों की हिफाजत कर रहे हैं। Amazing. खबीब, क्या ये खबीब है? हाँ जी बिल्कुल ये खबीब ही है। अरे तो बहुत उम्दा है यार। देखिए हैंडशेक करने से इनकार कर दिया उन्होंने। ओके, ओ उन्होंने भी नकार दिया। Oh my God. But why do they do this? एक बिकिनी मॉडल है जो मेडल्स पकड़ा रही हैं, उनकी ट्रे में रखा हुआ है, बट मुस्लिम प्लेयर जो है उन्होंने अपनी टोपी से ढक ली आंखों को। यार बहुत बेहतरीन गजब। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, मैंने नहीं करना है हैंडशेक, हाथ नहीं मिला सकता। चीज़ा हिजाबी, उन्होंने हिजाब पहन रखा है। वाओ,
इट्स वेरी गुड जेस्चर, बहुत अच्छा जेस्चर है। डेविड बेकम बहुत ही बड़े फुटबॉल प्लेयर है, उनको उनको उनका हैंडशेक रिजेक्ट कर दिया यार, लोग मरते हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए, क्या बात है। इस्लाम ओवर एवरीथिंग। उनका हिजाब उतर गया, देखिए आप, वाओ, उनको कवर कर रही हैं सभी बाकी प्लेयर्स, इवन डिफेंडिंग टीम के, ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल मीट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, आई विल डू लाइक दिस एंड आई विल डू अस्सलामु अलैकुम, नॉट दिस हैंडशेक। हाँ जी, काफ़ी अच्छी रिसर्च करके आई हूँ, विकीपीडिया पे पूरा एक आर्टिकल अवेलेबल है, अगर आप सुनना सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ पढ़ने मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम और यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ इट, आप विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा। ऑल्सो आई वोर दिस ट्रेडिशनल आउटफिट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल। मैं यूजली ना ऐसे नॉर्मली जो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं हम, उन्हीं में आती हूँ, बट आई जस्ट थॉट कि ये एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस वीडियो है, आई शुड जस्ट गेट अप एंड गेट रेडी। द अनारकली सूट में मैं आज तैयार हुई। पता है ये क्लिप अगर मैं एक साल पहले देखती ना तो आई वुड नॉट हैव इवन अंडरस्टूड इट, और मैं अदरवाइज भी ले जाती कि यार ये लोग इग्नोर कर रहे हैं क्या लड़कियों को, बट नाउ आई अंडरस्टैंड द अटमोस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट दे हैव फॉर गर्ल्स। इट्स नॉट ओनली अप्रिशिएबल बट एक्सेप्शनल, अडोरेबल एंड अडोप्टेबल। हम सब इस चीज़ को अपना सकते हैं यार, बहुत ही साइंटिफिक रीज़न होता है हैंडशेक नहीं करने का। अगर आप सभी धर्मों को पढ़ेंगे ना तो सभी में इसी तरीके की तालीम मिलती है, पता है। जैसे कि हिंदू धर्म में हम ऐसे करते हैं नमस्ते, दूर से नमस्ते करी जाती है, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर जब हम झुक करके प्रणाम करते हैं। इस्लाम में करते हैं अस्सलामु अलैकुम। हमारी जो फिजिकल मेमोरी है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग तो सिर्फ अपनी बॉडी से ही अटैच्ड होकर के रह जाएंगे। इस बॉडी के ऊपर भी बहुत कुछ है दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए। एंड दीज पीपल हु डू इट, जो सारे रूल्स अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना, वो एक स्पिरिचुअल लेवल पर चीज़ों को देख पाते हैं, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हर कोई इंसान, ईच एंड एवरी पर्सन अलाइव ऑन दिस प्लानट, जो कोई भी कॉन्शियसली जी रहा है ना, वो सभी स्पिरिचुअल है एंड हमारा ओरिजिन वही है। हम अगर ऐसे नहीं जी रहे होते हैं ना तो हम इधर उधर थोड़ा भटक जाते हैं, जो कि गलत नहीं है, इंसानी जीवन में होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट दिस स्पिरिचुअलिटी इज होम कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को ना शेयर करिएगा, क्योंकि दिस नीड्स sharing. People need to understand what is the real reason that Muslims don't shake hands with opposite gender. Beautiful man. Loved it. Just loved it. Thank you so much again. This is Nidhi Sharma urf Kilaya React signing off. Take care. Allah Hafiz. Khuda Hafiz. Shabba Khair. Shubha Ratri. Bye bye.